Hi everyone, welcome to my channel, and today we are going to discuss the concept of array in PHP. I hope already you have watched these videos and you must have got a great experience of these videos. So aaj ke session mein hum baat karenge ki PHP mein array ka use hum kaise karte hain aur kis tarah se array useful hai hamare liye aur uska kya syntax hai, साथ ही उसका पूरा प्रोसेस आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वेल, दिस इज विजुअल स्टूडियो एंड यहाँ से मैं नई फाइल ले लेता हूँ. मैं फाइल पे जाऊँगा एंड आई हैव टेकन अ न्यू फाइल. जैसा कि आप जानते हैं कि पीएचपी की फाइल्स को हमें सेव करना होता है, जो आपका पेज है .txt, राइट? तो .txt तो नोटपैड से आपको मिल जाता है. यहाँ पे आप फाइल का नेम एंटर कर सकते हैं, एरे लर्न. तो एरे लर्न डॉट पी एच पी आपने इस फाइल को लिया और एरे लर्न डॉट पी एच पी को हमने यहाँ पे सेव कर दिया सी ड्राइव में जाकर के जैम फोल्डर के अंदर एंड एच टी डॉक्स के अंदर प्रैक्टिस नाउ नाम का फोल्डर है और एरे लर्न से हमने फाइल को क्रिएट कर लिया. सो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे एरे का हम यूज़ करते हैं और एरे यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट्स हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीएचपी स्क्रिप्टलेट बना ली है और इसके अंदर मैं पीएचपी कोड लिखने जा रहा हूँ. एरे का इस्तेमाल बेसिकली यूज़फुल होता है जब आपको बहुत सारे वेरिएबल्स में डील करना होता है. सो अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो आपको बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने होंगे और उन वेरिएबल्स को बनाने में आपको ऑब्वियसली बहुत सारा कैलकुलेशन करना होगा. सपोज आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, राइट? अब 10 नंबर्स का अगर एवरेज आपको फाइंड आउट करना है तो आपको इस तरह से डॉलर A1 जिसकी वैल्यू है 22, डॉलर A2 जिसकी वैल्यू है 34 एंड डॉलर A3 जिसकी वैल्यू है 88 एंड डॉलर A4 जिसकी वैल्यू है 55, राइट? तो इस तरह से आपको A10 तक आपको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. तो एरे का कॉन्सेप्ट यहीं पे इसीलिए यूज़फुल है कि आप इतने 10 वेरिएबल्स को लेने की बजाय क्यों ना आप एक एरे डिक्लेयर कर दें. और जो आप एरे डिक्लेयर करेंगे वो क्या करेगा, इन 10 वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लेगा. तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए, मैं एक मल्टी लाइन कमेंट ले लेता हूँ और इसमें मैं ये लिखने जा रहा हूँ कि एरे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों यूजफुल है. सो एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, राइट? अगर आप एरे यूज कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि वो सिमिलर डेटा टाइप्स का ही कलेक्शन है. सिमिलर डेटा टाइप्स का मतलब, जैसा कि आपको पता है कि पीएचपी में आपको इंट और इंटीजर के लिए और फ्लोट के लिए और कैर के लिए और स्ट्रिंग के लिए आपको डेटा टाइप लिखना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो उसे अंडरस्टैंड कर लेता है कि अगर डॉलर ए में 10 पड़ा है तो वो इंटीजर है, अगर डॉलर ए में 10.2 पड़ा है, राइट, तो वो समझ जाएगा कि ये डेसिमल वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, और डॉलर ए में अगर कोई कैरेक्टर पड़ा हुआ है तो वो समझ जाता है, और डॉलर ए में अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट, तो भी वो उसको समझ जाता है. तो पीएचपी में आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो भी उसका असाइनमेंट होता है उस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग वो उसे समझ जाता है. सो एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इतने सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की बजाय आप सिंपल सा एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, राइट? इतने सारे वेरिएबल्स का सिंपल एक ही सब्स्टिट्यूट है. यहाँ पे आपको A5, A6, A7, A8, A9, राइट, और A10 तक लेना पड़ रहा है. तो इन 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की बजाय आप केवल एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करिए और उसी से आपका काम हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इज़, राइट? काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हैंडी है और प्रोग्रामिंग के बहुत सारे
कॉन्सेप्ट्स में से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप जनरली आपके यूज में आने वाला है। तो भाई एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। सबसे पहली बात कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। यूज तो हमें समझ में आ ही गया है कि एरे का यूज क्या है। इतने सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बजाय आप एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करिए। A1 से लेकर के A10 तक की वैल्यूज आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप एक वेरिएबल लीजिए डॉलर ए, ठीक है, और डॉलर ए में ही आपको अगर इसे एरे डिक्लेयर करना है तो सिंपल आप ये एरे फंक्शन का प्रयोग करिए जो कि प्री डिफाइंड है, ठीक है। आपको एरे फंक्शन का प्रयोग करना है और जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं 22, 34, देन 88, देन 55, देन 9, देन 10, देन 22, देन 44, देन 88, 88 को हम लोग चेंज कर देते हैं जिससे कि क्लैरिटी रहे, 82 एंड 32। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं सिंगल वेरिएबल में ही आपका ये काम हो गया है। यू डोंट नीड A10 तक, A1 से लेकर के A10 तक की आपको कोई जरूरत नहीं है और आपने इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो भाई अब काम हमारा शुरू होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सभी वैल्यूज का सम चाहिए, राइट। और सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से चलेगा, राइट। जैसे एरे में जो इनिशियल इंडेक्स होता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो एरे की वैल्यूज हैं, जैसे 22 आया है, 34 आया है, ये सभी जाकर के अपने अपने स्पेस में स्टोर हो गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा जीरो इंडेक्स पे स्टोर होता है। ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, 8 पे और ये 9 पे, ठीक है। तो अगर आपको जब भी एरे डिक्लेयर करना है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक कम करके ही उसकी इंडेक्सिंग बताइए। मतलब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं डॉलर ए और यहाँ पे लिखते हैं 0, ठीक है, तो आपको मिलने वाला है 22, ठीक है। और आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं द वैल्यू एट दी इंडेक्स 0। तो इंडेक्सिंग जो एरे की शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कैसे वैल्यूज निकालना है हम लोग बाद में सीख लेंगे। अभी क्या है, इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। और रन कराने के लिए जैसा कि आपको पता है कि लोकल होस्ट हम टाइप करते हैं, ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट है। लोकल होस्ट हम टाइप करते हैं, लोकल होस्ट के बाद प्रैक्टिस नाउ फोल्डर आपका है और यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। और अभी अभी हमने लिया है एरे लर्न डॉट पी एच पी। देखिए द वैल्यू एट इंडेक्स 0 यहाँ पे 22 दिखा रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स 0 पे आपकी वैल्यू है 22 और अगर आप इंडेक्स 9 पे चेक करेंगे तो आपको 32 मिल जाएगा। मतलब लास्ट, अगर आपको लास्ट वैल्यू लेनी है तो आपको जस्ट उस एरे की जो टोटल काउंट है उसमें से आपको एक कम कर देना है। अब अगर आपको ये पता करना है कि इस एरे में कितनी वैल्यूज हैं तो इसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, काउंट फंक्शन, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इंडेक्स 9 पे शो करता हूँ कि भाई क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप A9 करेंगे तो आपको मिलने वाली है लास्ट वैल्यू जो कि है 32, राइट। लेट्स सी हमें 32 मिलता है और यहाँ पे आपने इसे रन कराई, ये देखिए 9 पे आपका 32 पड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्सिंग कैसे होती है। एंड अगर आपको लेंथ निकालनी है, यहाँ पे मैं लाइन चेंज कर देता हूँ BR टैग का यूज़ करके, ब्रेक लाइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ एरे। तो लेंथ निकालने के लिए ARRLEN इस नाम का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे मुझे सिंपली काउंट फंक्शन का प्रयोग करना है और काउंट फंक्शन के अंदर मुझे पास कर देना है इस डॉलर ए को, ठीक है। ये जो आपका एरे है इसको मुझे पास कर देना है और अगर आप इसे प्रिंट करते हैं, इको करते हैं, तो आपको पूरी टोटल लेंथ मिलने वाली। अब टोटल लेंथ में आपको 9 नहीं मिलेगा, 10 ही मिलेगा, इंडेक्सिंग में एक कम होता है। तो द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज,
ठीक है, कितनी वैल्यूज उसमें पड़ी हुई हैं। अगर आपको ये देखना है तो आपको सिंपली फंक्शन यूज करना है काउंट फंक्शन, जो कि आपको काउंट करके बता देगा कितनी वैल्यूज यहाँ पे पड़ी हुई हैं, राइट। तो एरे लेन को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी गेट एंड हियर वी गो। देखिए भाई, टोटल नंबर आपको 10 ही मिल रही है, बस उसकी इंडेक्सिंग में एक कम हो जाता है, 0 से शुरू होता है और 9 तक जाता है। तो आपको लूप समझ में आ गया होगा, लूप आपका एक से नहीं चलेगा। अगर आपको सभी वैल्यूज को सम करना है तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लीजिए जिसमें हमने 0 डाल रखा है फिलहाल के लिए, अभी सम में 0 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने फॉर लूप ले लिया जो कि डॉलर आई से चलेगा, 0 से चलेगा, और ये जो डॉलर आई है उस लेंथ के, लेंथ आपकी किस में है, डॉलर ए आर आर लेंथ में, उससे कम रहेगा, साथ ही उसके इक्वल भी रहेगा, कम ही नहीं, नहीं कम ही रखना है, क्योंकि उस टोटल लेंथ से 9 है तो कम ही रहेगा, इक्वल नहीं लगाना है, यही यहाँ पे स्मार्टनेस है। और डॉलर आई को हमने प्लस प्लस कर दिया और ये हमारा फॉर लूप चलने के लिए तैयार है। और यहाँ पे सम नाम के जो वेरिएबल है, उस सम नाम के वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया है, सम में ही असाइन कर दिया है, और प्लस लगा दिया है कि भाई जो भी वैल्यू इसमें पड़ी हुई है, कौन से एरे में पड़ी हुई है, कौन सा एरे है, डॉलर ए नाम का एरे है, और ये कैसे इटरेट करेगा, यहाँ हमने डॉलर आई पास कर दिया है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जब ये लूप पहली बार चलेगा तो यहाँ पे ए 0 होगा, तो ए 0 से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए 0 से हमें 22 मिल जाएगी। तो पहली बार जब लूप चलेगा, मैं थोड़ा सा डिक्लेयर कर देता हूँ, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम लूप, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा डॉलर मतलब सम, ठीक है, तो डॉलर सम की वैल्यू क्या होगी, पहले तो सम की वैल्यू 0 है और फर्स्ट टाइम में ये क्या रिटर्न करेगा, डॉलर ए आई ए 0 क्या रिटर्न करेगा, 22। तो भाई डॉलर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। अब जब लूप आपका सेकेंड टाइम चलेगा, समझना सेकेंड टाइम लूप, जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो डॉलर सम की वैल्यू असाइन हो जाएगी, और आपको डॉलर सम की प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी है, 22 पड़ी है, और यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपने चूंकि लिख रखा है A1, तो भाई A1 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, A1 की वैल्यू मिलने वाली है 34। तो यहाँ पे डॉलर सम में अब क्या हो जाएगा, 22 + 34 हो जाएगा। अब 22 + 34 कितना हो गया, यहाँ पे डॉलर सम की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये लूप आपका इटरेट करता रहेगा, यहाँ पे आपका अभी 4 to 6 और यहाँ पे 3 to 5, 56 यहाँ पे वैल्यू आपकी आ चुकी है। इसी तरीके से जब आपका लूप थर्ड टाइम चलेगा, थर्ड टाइम लूप, ठीक है, तो थर्ड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, डॉलर सम में आपका वैल्यू असाइन होना है, और प्रीवियस वैल्यू क्या है, 56 है, और भाई 56 में फिर आपने असाइन कर दिया डॉलर, अब थर्ड टाइम चलेगा तो 2 आएगा यहाँ पे, तो डॉलर A2 की वैल्यू क्या होगी, फटाफट निकालिए, डॉलर A2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सम 56 + A2 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, A2 की वैल्यू हमें मिल रही है 88, राइट, 34 ऐड हो चुका था, 88 आ चुका है, तो 88 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से सम की वैल्यू, अब अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉलर सम यहाँ पे आपका अपडेटेड वैल्यू 8 6 8 6 14 14 का 4 और 8 5 13 14, तो यहाँ पे 144 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से लूप इटरेट करता रहेगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिलहाल जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो सम, सभी संख्याओं का सम आपके हाथ में होगा, और लेंथ आप निकाल चुके हैं, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपका बिल्कुल सिंपल है, डॉलर एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, डॉलर सम अपॉन, और आपका एरे लेंथ कितना है उसी से आपको डिवाइड कर देना, और ये आपका एवरेज निकल करके आ गया है, इको डॉलर द एवरेज ऑफ द स्टोर्ड नंबर्स, नंबर्स ऑफ द एरे इज, यहाँ पे आपका डॉलर AVG आपने प्रिंट कर दिया। हालांकि ये काम आप डॉलर A1 डॉलर A2 मतलब बात वही है, आप उससे भी कर सकते थे, लेकिन एरे की मदद से आपका बेहतरीन आपका ये प्रोग्राम बन गया, कम लाइंस में बन गया, समझ
समझाने के लिए मैंने लाइन ज़्यादा यूज़ करी है, बट यू अंडरस्टैंड। और इसको आपने रन किया, देखिए यहाँ पे आपका एवरेज 39.8 आ चुका है, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके 10 है, 0 पे आपका 22 है, और 9 इंडेक्स पे 32 है। आई होप आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस प्रोग्राम की हो गई होगी। इफ़ यू आर न्यू टू आर चैनल, डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड दिस इज़ आर वेबसाइट, यू कैन विजिट inspirontechnologies.co.in, एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर PHP प्रोग्राम टू अटेंड, सो यू कैन गेट इन टच विद अस फॉर PHP लर्निंग, एंड सिंपली कॉल ऑन दिस नंबर फॉर PHP लर्निंग, एंड यू कैन मास्टर PHP कोर्स विद अस। थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।